आने वाले चैप्टर में हम नंबर्स के एक नए फॉर्मेट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो रिसेंटली किसी क्लास में आपने पढ़ा होगा बेटा वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में, और साथ ही मैथमेटिकल ऑपरेशन का नाम भी सुना होगा। ये सभी बेसिक्स में आते हैं हमारे, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे रेगुलर, और फिर डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए कितने टॉपिक पढ़ना नेसेसरी है इस चैप्टर को समझने। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सभी से बोलूँगा बेटा सभी अपना वीडियो विजिबल रखें, दूसरी बात टाइम पे क्लास अटेंड करें। अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम बच्चे जुड़े हैं हमसे, तो टाइम का भी इसलिए ध्यान रखा करो, आपको टाइम से क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है बच्चों, तो मुझे सभी बताइए रिसेंटली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो सभी आपने कंप्लीट कर लिए हैं? कमेंट करो बेटा, जिसका कंप्लीट हो गया सभी क्वेश्चन कमेंट करो जल्दी, जिसका कंप्लीट हो कंप्लीट टाइप का कमेंट करो। ब्रेकफास्ट डिमांड की है बेटा यहाँ पे।
अब देख पा रहे हैं सभी को मेरी आवाज क्लियर से आ रही है कि नहीं, पर कमेंट करके बताओ जल्दी। अगर क्लियर है तो क्लियर दबाओ। साइल की प्रॉब्लम है वो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है मैं नेक्स्ट टाइम इसकी बात होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट की आईडी 3 के शुगर, तो बेटे यहाँ पे क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू फिक्स है, जबकि मैं यहाँ देख रहा हूँ आई नीड सम शुगर। सम मींस कितना भी हो सकता है, मान लो 1 केजी हो सकता है और मान लो 100 केजी हो सकता है, सही बात है ना। यहाँ पे जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है बेटा, इसको हम यहाँ जो वैल्यू हमारी फिक्स नहीं है इसको हम कितना भी मान सकते हैं। सम मींस क्या कुछ कितना भी मान सकते हैं। तो ऐसे ही नंबर्स को हमने टू टाइप से डिवाइड किया है, इसमें फर्स्ट आती है वेरिएबल और सेकंड आती है कांस्टेंट। तो ये जो क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी है, ये शुगर की कितनी क्वांटिटी है, 3 केजी। यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी क्या है, चेंजेबल है, कितनी भी हो सकती है, चेंजेबल क्वांटिटी, ओके। तो वेरिएबल क्या होगी, चेंजेबल क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्या होगी बेटे, फिक्स वैल्यू क्वांटिटी। बात समझ में आई। चेंजेबल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लाइक दैट इज फ्रॉम एक्स y z a b c एटसेट्रा, इनसे डिनोट कर सकते हैं। मींस इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं, बट फिक्स वैल्यू क्वांटिटी जो होती है हमारी सभी नंबर्स होती है, लाइक दैट 1 2 5 9 30 एटसेट्रा, ये सभी कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारी। जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या होंगे बेटे, कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है वो क्या होंगे, वेरिएबल्स। क्लियर है। अभी हमने जो एग्जांपल दिया था उससे आपको समझ में आया कि चेंजेबल का मींस क्या है बेटे, उसका वैल्यू हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, या फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है उसका वैल्यू, समझ रहे हो बात। बट जब वैल्यू कांस्टेंट हो यानी कि फिक्स हो तो उस कंडीशन में हमारे वो कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल प्रोग्रेशन की। उससे पहले मैं साइल का क्वेश्चन था और जिस भी बच्चे का वो ऐसा क्वेश्चन है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताएं या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका है वो बताएं जल्दी से। जल्दी से टाइप करो बेटा आपका कौन सा क्वेश्चन है या फिर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है। रेशनल नंबर से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम है तो वो टाइप कर सकता है बच्चों। जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया था रेशनल नंबर में प्रॉब्लम है वो अपना क्वेश्चन टाइप करे बेटा जल्दी से, या फिर क्वेश्चन नंबर। ये वाला आप देख लीजिए, मैंने आपको टू एग्जांपल दिए थे, आई नीड 3 केजी शुगर, और सेकंड एग्जांपल मैंने दिया था आई नीड सम शुगर। यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल में मैंने जो डिमांड की है क्वांटिटी की वो फिक्स है 3 केजी है, तो आप मुझे इजीली शुगर दे सकते हैं। बट नीचे जो मैंने क्वेश्चन सॉरी सेंटेंस राइट किया उसमें मैंने कहा आई नीड सम शुगर, मतलब मुझे कुछ चीनी चाहिए। कुछ का मतलब ये है अगर मैं चाय बना रहा तो मुझे 1 ग्लास शुगर चाहिए,
अगर मैं किसी को मिठाई वगैरह बना के दे रहा हूँ, एक के जी, टू के जी, थ्री के जी या फिर इससे ज्यादा कुछ चाहिए मुझे शुगर, मतलब इसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, मतलब ये चेंजेबल वैल्यू है, इसकी जगह कुछ भी हम वैल्यू ले सकते हैं। सम सम मतलब कुछ, और कुछ का मतलब है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर मेरी छोटी रिक्वायरमेंट है तो मैं थोड़ी सी चाहिए, और अगर बड़ी रिक्वायरमेंट है, मान लो आप शादी ब्याह में शुगर लेके आ रहे हो, तो मैंने कहा कुछ चीनी दे दो, तो उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी ऑफ शुगर है वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस बात से क्या पता चलता है बेटी, जो चेंजेबल वैल्यू, चेंजेबल क्वांटिटी है हमारी, जैसे कि यहाँ पे है, उनको हम वेरिएबल कहेंगे, और जहाँ पे क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी क्वांटिटी आएगी, वहां पे हमारा कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो वेरिएबल को हम किससे डिनोट करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट की स्मॉल लेटर से, और कॉन्स्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, उसको डिनोट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वन दिया है, वन कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट है, थ्री कॉन्स्टेंट है, बात समझ में आ रही, क्लियर है? अब एक बार देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो बेटा हमारे पास फोर ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों को हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 2 बाय 3 एंड 4 बाय 5। ठीक है, मैं इनमें से एक क्वेश्चन करवा दूंगा, पूछ सकता हूं। यहां तक समझ में, वेरिएबल क्या होगी, चेंजेबल क्वांटिटी होगी जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कांस्टेंट क्या होंगे, उनकी वैल्यू फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल, सभी नंबर्स हमारे कांस्टेंट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 13 14 15 कुछ भी हो सकती हैं वो नंबर्स, सभी कांस्टेंट होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस एडिशन यानी प्लस, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस एंड डिवीजन यानी डिवाइड, ये सभी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं फोर। अब बात आती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो बेटा जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को एक साथ लिखते हैं, ये होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आई, मींस एक तरफ कांस्टेंट होगा, एक तरफ वेरिएबल होगा, बीच में आएगा इन चारों में से कोई भी एक साइन, समझ गए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, वेरिएबल साथ में कांस्टेंट और उनके बीच में होगा कोई भी एक साइन, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्लियर है बच्चों, बात समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन, तो जब टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन आएगा तो वो इक्वेशंस होगी। फॉर एग्जांपल, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री, ये क्या है बच्चों, इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है, बट इसमें वेरिएबल कितने हैं, देखो एक एक्स है और दूसरा वाई, टू वेरिएबल है। अगर सिंगल वेरिएबल में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, ये हम देख रहे हैं। क्या है बच्चों, इक्वेशन है, समझिए। अब जब इक्वेशन के अंदर क्या सिंगल वेरिएबल हो तो होता है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बात आती है किसकी, लीनियर की। लीनियर कब होगा, जब एक्स या फिर कोई भी वेरिएबल आपके पास होगा उसकी पावर वन होगी। कैसे, एक मिनट समझो, ये समझ में आएगा कि इक्वेशन क्या होगी बेटा, जब टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन रहेगा, या फिर जहां पे इक्वल का साइन आ जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो वहां पे हम उसको क्या कहेंगे बेटे, इक्वेशन। ठीक है, जिन बच्चों को क्लियर हो थम्स अप कर दो। एक मिनट देखिए, मैं ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो बेटे ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 बाई 3 एंड बी का वैल्यू कितना मान लेते हैं बेटे 4 बाई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इनके एलसीएम को सेम करना है, तो इनका एलसीएम
डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम के बराबर करना है, तो 3 एंड 5 का एलसीएम 15 आता है बेटा। 15 एलसीएम पहले की करने के लिए इसको 15 करना है a को, तो किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चों मैं, 3 को 5 से, तो ऊपर नीचे 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 5 2 10 डिवाइड बाय 3 5 15। ठीक है बच्चों, ऐसे नीचे वाले नंबर को देखिए आप, b की वैल्यू देखिए 4/5, इसको अगर हम 15 करना है तो 2/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 3/3 का, 5 3 15, तो हमें नीचे वाले पे ध्यान देना है, ऊपर वैसे वैसे नंबर रख लेते हैं, 4 3 12 डिवाइड बाय 5 3 15। अब हमारे पास ये जो नंबर है इन दोनों डिनोमिनेटर सेम बन गए, ठीक है, अब क्या करना है बेटे, हमें हमारी जो नंबर चाहिए वो कितनी चाहिए, 5, और यहां पे हम देख रहे हैं ओनली वन नंबर है के बीच में, 10 के बाद भी 11 आएगा फिर 12 आ जाएगा, तो वन नंबर हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें कितना नंबर और चाहिए बच्चों, ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू इससे तो बड़ी है और इससे छोटी है, और हमें पता है ये जो वैल्यू थी ये किसकी निकल के आ रही थी, 2/5 की, 3 की, और ये वाली वैल्यू जो थी ये डिवाइडेड 4/5। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में आपको समझा दिया। अब बात ये आती है, हमने बात की थी हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम इसमें 1 है हमारे पास तो 5 का कर सकते थे, कैसे, 10/15 और इधर 12/15 रहता, हमारे पास एक नंबर है तो हमें 4 और चाहिए तो हम 5 का कर सकते थे, 5/5 और इधर भी 5/5, तो 10/15/15 = 75, ऐसे ही 12/16/15 = 75, तो यहाँ से हम 50 के बाद में 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75, ये भी हम लिख सकते थे, ये हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, और ये भी करेक्ट आंसर है, क्लियर है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, जो मेथड आप मैंने आपको बताया है बच्चों वो एकदम क्लियर है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आपको प्रॉपर मेथड फॉलो करना है और आपके जो आंसर आएंगे एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, जल्दी से थम्स अप करो अगर समझ में आया, तो हमने अब तक कंप्लीट क्या किया है बच्चों, एक्सरसाइज सेकेंडरी वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में एंड इक्वेशन के बारे में, इसके बारे में बेटे अब ध्यान से दीजिए, देखिए थोड़ा, हमारे पास इधर गया 4x, इधर गया 3x-4, फिर लिखा है बच्चों a b c plus a plus b plus c, फिर लिखा है बच्चों x² + 2, फिर लिखा है बच्चों a + a², इनमें देखिए क्या खास बात है, ये देखिए ये एग्जांपल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें कौन
कांस्टेंट है और वेरिएबल है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई है ना। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब कांस्टेंट भी आ जाए वेरिएबल भी आ जाए, बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाए, तो वो टोटल जो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको देखिए बच्चों, इसमें कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, बीच में माइनस का साइन, फिर कांस्टेंट आ गया। तो इन दोनों के बीच में देखिए क्या कौन सा साइन है, माइनस। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। इधर देखिए मल्टीप्लाई है सभी के बीच में, ठीक है। तो यहां पे हम जो देख रहे हैं, अब आप कहो से इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो बेटा कांस्टेंट 1 को मान सकते हैं, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, समझ गए ना। तो यहां पे एक नई बात मैं बताने जा रहा हूं, अगर सिंगल वेरिएबल आता है या सिंगल कांस्टेंट आता है या अगर दोनों साथ में आते हैं, तो ये तीनों ही कंडीशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्यों होगा बच्चों, बिकॉज यहां पे x अकेला है तो मल्टीप्लाई में वाले सकते हैं, तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों वैल्यू आ गए हमारे पास। यहां पे 4 अकेला है तो हम इनटू x की पावर 0 लिख सकते हैं, अब किसी की भी पावर 0 होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 × 1, इसकी जगह क्या आएगी, 1। कहने का मतलब वेरिएबल तो हम लिख सकते हैं ना अपने, तो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो गए, और इसमें तो है ही, यहाँ पे वेरिएबल ही कांस्टेंट है, तो तीनों ही कंडीशन में ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, समझ गए। तो अगर आपके पास अकेला वेरिएबल, ठीक है बच्चों, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ओके। देखिए बेटा हम क्या बता रहे थे आपको, एक बार देखिए, x plus 3 is equal to 5। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक इक्वेशन है, और x square plus x minus 3 is equal to 4, ये भी एक इक्वेशन है, और x plus y is equal to 4, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक। बट इन सभी इक्वेशंस के अंदर कुछ अलग बात है, वो क्या है बच्चों, देखो एक बार, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल सिंगल है, बेटा टू टाइम आ रहा है, इसका मतलब डबल नहीं है वेरिएबल, सिंगल ही माना जाएगा, एक्स है एक्स है, मतलब वन ही वेरिएबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स भी है और वाई भी है, तो टू वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो इस टाइप हम देख रहे हैं ये जो इक्वेशन हमारे सामने अलग अलग है, है तो इक्वेशन बिकॉज इक्वल का साइन है, सभी देखो इक्वल इक्वल इक्वल, तो जहां पे इक्वल का साइन आ रहा है वहां पे इक्वेशन तो होगा, बट इक्वेशन के नेम जो हम लिखेंगे वो उनकी कंटिन्यू मतलब उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे कि यहां पे 1 वेरिएबल है, यहां पे भी 1 है, यहां पे 2 है, तो ये 1 वेरिएबल इक्वेशन, ये भी 1 वेरिएबल इक्वेशन, एंड ये भी, ये जो होगा ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन, बिकॉज इसमें कितने वेरिएबल है बेटे, 2। इस टाइप से इनकी नेम अलग होगी, इसके बेस पे वेरिएबल की नंबर के बेस पे, सिंगल वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल इक्वेशन और 2 है तो 2 वेरिएबल इक्वेशन। अब बात करते हैं इसकी दूसरी बात, यहां पे x एक वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर है, इसकी पावर कितनी बेटे, 1, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1, यहां पे x की पावर 1, y की पावर भी 1। तो यहां पे हम देखते हैं वेरिएबल जो है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, अंग्रेजी से बताओ कितनी है, 1। यहां पे हम देख रहे हैं वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है, अंग्रेजी से बताओ 2। यहां पे हम देख रहे हैं इसको तो हमें देखने नहीं है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 1 वेरिएबल वाले के बारे में, ठीक है। हालांकि इसमें पावर वाली ही है, ठीक है, बट इसको हम देखेंगे नहीं। इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है जिसकी पावर 1 है वो लीनियर होगा और जिसकी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक होगा। और जिसकी पावर 1 है वो क्या होगा बच्चों, लीनियर। क्लियर है? तो यहां पे ये वाला इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन है और 1 वेरिएबल वाला है,
तो हमारे जो चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके अंदर कैसे इक्वेशन होंगे जिनके अंदर सिंगल वेरिएबल होगा और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी बेटे, वन होगी, वो इक्वेशन हम पढ़ेंगे इसके अंदर, समझ गए। ये वाला जो इक्वेशन है इसमें सिंगल वेरिएबल तो है बट वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो टू है, इसलिए ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, समझ गए बच्चों। और ये वाला क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आया व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो मैं नीचे कंडीशन लिख रहा हूं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए बच्चों, वन होनी चाहिए, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए वो भी वन होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को जो इक्वेशन फॉलो करेगा उसी को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। थम्स अप कर दो और समझ में आए। बेटा सभी का रेस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए, अगर समझ में आए तो थम्स अप करो, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बोलो नॉट क्लियर, समझ गए। मैं एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेता हूं, शायद आपको डेफिनेशन से कुछ समझ नहीं आए। इसमें लिखा है द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ वेरिएबल एंड पावर ऑफ वेरिएबल, बोथ आर वन। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल भी और पावर भी दोनों ही क्या हो, वन हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटे, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, आज का टाइम यही खत्म होता है, कल हम इस टॉपिक की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, और इस एक्सरसाइज के सभी एग्जांपल आप सॉल्व करना समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।